केवाईसी फ्रॉड्स के बहुत सारे मामले सामने आए हैं जो केवल सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं। मुंबई के एक सीनियर सिटीजन को साइबर क्राइम करने वाले एक व्यक्ति ने 3.18 लाख रुपीस का धोखा दिया। इस व्यक्ति ने उस सीनियर सिटीजन को एज अ ई वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉय कॉल किया और उनसे उनकी केवाईसी डिटेल्स अपडेट करवाने के बहाने सारी डिटेल्स लेकर उनका वन टाइम पासवर्ड यानी उनका ओटीपी भी मांग लिया। एक और घटना में शिकायतकर्ता मिस्टर अनिल शाह ने पुलिस से ये बताया कि पिछले महीने उन्हें एक अननोन नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें उन्हें केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्हें ये वार्निंग भी दी गई थी कि अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। जब मिस्टर अनिल शाह ने उस दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उन्हें सामने से ये बताया गया कि उन्हें अपने फोन पर टीम व्यूअर ऐप डाउनलोड करना होगा और उनके पेटीएम अकाउंट से किसी भी नंबर पर 1 रुपी सेंड करना होगा। मिस्टर शाह ने उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जैक्टली फॉलो करते हुए और बिना ये महसूस किए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है सारे प्रोसेस को खत्म किया और जब तक वो फोन कॉल खत्म होता तब तक उनके अकाउंट से 1.72 लाख रुपीस चोरी कर लिए गए थे। केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए हर दिन सीनियर सिटीजन्स के साथ हो रहे फ्रॉड्स की खबरें आती रहती हैं। हालांकि बैंकिंग रेगुलेटर ने इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, पर जो पैसे सीनियर सिटीजन्स या आम लोग गवा चुके हैं या जो पैसे आपके अकाउंट से निकल चुके हैं उन्हें वापस लाना या उन्हें वापस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। जबकि कोई ये सोच सकता है कि टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण आपके साथ केवाईसी फ्रॉड हो सकता है, पर यह भी देखा गया है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी को संभालने में निकाल दी है या फिर उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानकारी है वो भी केवाईसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं। केवाईसी फ्रॉड्स काफी हद तक तब बढ़े जब आरबीआई के साथ मिलकर कई ई वॉलेट कंपनी प्रोवाइडर्स ने केवाईसी फॉर्मेलिटीज को हर एक इंडिविजुअल के लिए कंपल्सरी कर दिया था। आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ओटीपी के सहारे वेरिफाइड मोबाइल नंबर के माध्यम से एक ई वॉलेट अकाउंट खोल सकता है और किसी भी लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट और आईडी नंबर का सिग्नेचर वेरिफिकेशन कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और आसान बनाने के लिए ई वॉलेट प्रोवाइडर्स लोगों को एक एसएमएस द्वारा वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी भेजते हैं और उनकी केवाईसी डिटेल्स एस्टैब्लिश करते हैं। आरबीआई के इन रूल्स ने पूरे सिस्टम में बहुत ही खतरनाक कमियों को उजागर किया। बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल एक वैलिड मोबाइल नंबर के जरिए वन टाइम ओटीपी के द्वारा एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट और आईडी नंबर को लेकर एक केवाईसी अकाउंट एस्टैब्लिश कर सकता है। इस तरह से कोई भी केवाईसी फॉर्मेलिटीज को पूरी किए बिना एक इंडिविजुअल हर महीने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन या एक वर्ष में 1,00,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा 1 साल होने के ऊपर अगर उन्हें उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो उस बैलेंस अमाउंट को जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें उस अकाउंट में नए पैसे डिपॉजिट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। धोखाधड़ी करने वाले लोगों को ये पूरा केवाईसी का प्रोसेस बहुत ही क्विक और सिंपल प्रोसेस लगा जिससे वो लोगों को बहुत ही आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले जालसाज या तो आपसे आपका ओटीपी अपने फोन पर शेयर करवाते हैं या फिर आपके फोन पर आए गए मैसेज पर यस या ओके बटन को क्लिक करने को कहते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है वो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर चुके होते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकालने का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। उस ओटीपी की आवश्यकता उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस पूरे प्रोसेस को खत्म करने के लिए होती है और जैसे ही आप अपना ओटीपी उनसे शेयर करते हैं आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में धोखेबाज तब तक आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है जब तक आप उससे ओटीपी शेयर करते जाएंगे
या फिर आप दिए गए ऑप्शंस में से यस या ओके बटन पर क्लिक करते जाएंगे। जब तक आपको एहसास होगा कि आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं, तब तक फ्रॉड अपने मोबाइल सिम को डस्टबिन में फेंक देगा और एक नए नंबर का उपयोग करने लगेगा। आज के जमाने में नए सिम को हासिल करना या एक नया मोबाइल सिम लेना बहुत ही इजी हो गया है। यहाँ तक कि कुछ मोबाइल ऑपरेटर्स आपको सिर्फ आपके आधार कार्ड नंबर या एक वैलिड आईडी के बेसिस पर आपको नया सिम दे भी देते हैं और उसे एक्टिवेट भी कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉड्स एसएमएस का उपयोग करने के लिए पेटीएम अकाउंट प्रेफर करते हैं। वो आपको ऐसे एसएमएस भेजेंगे जिनमें आपको ये कहकर डराया जाएगा कि आपके पेटीएम अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा या फिर आपके बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की वैलिडिटी समाप्त कर दी जाएगी या फिर आपके केवाईसी डिटेल्स को भी इनवैलिड कर दिया जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा कोई लालच भी दिया जाता है जिसमें आप बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए उस एसएमएस में यूजली आपको एक नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है।